30 के आसपास तो हो गए, मुझे लगा शुरू कर दें, जुड़ जाएंगे लोग। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे डॉक्टर साहब, आप अपने स्टूडेंट को भी दे सकते हैं इसको वैसे। ठीक कुछ को मैंने वैसे फॉरवर्ड कर दिया तो कुछ बोल देता हूँ मैं। ठीक है, सर आप एडमिट कर सकते हैं उधर से, डिमरी साहब। मैंने अपने से कर रखा, फिर मैं आरसी से अच्छा कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, कोई चेंज कर लूँ दोबारा खोल के। ओके, 1 मिनट के लिए आप, क्योंकि बीच बीच में यहाँ पे कई सारे फंक्शन हो रहे हैं, तो हम एक 1 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर जैन, मैं एडमिट कर लूंगा। ओके सर, ओके, लेट्स ओके स्टार्ट। ओके। आप सभी को नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। भारत सरकार के स्वच्छता स्पेशल कैंपेन 3.0 के अंतर्गत आयोजित इस वेबिनार में मैं डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, इग्नू रीजनल सेंटर क्षेत्र देहरादून, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का इग्नू क्षेत्र केंद्र देहरादून की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इग्नू के हर कार्यक्रम की शुरुआत हमारे यानी विश्वविद्यालय के कुलगीत से होती है, तो आपके समक्ष मैं इग्नू का कुलगीत प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद यह कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ होगा। तो आप सभी इग्नू के कुलगीत को सुनें। कितने बना विश्वविद्यालय।
विदेश पटल पर भूषित नवाचार से सज्जित गुणवत्ता से परिपूरित ज्ञान ज्ञान दर्शन ज्ञान कोश से संचित ज्ञान कोश से संचित सर्व गुण संपन्न शिक्षा का हिमालय शिक्षा का हिमालय पुनः आप सभी का इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा था कि यह वेबिनार भारत सरकार के स्वच्छता कैंपेन 3.0 के अंतर्गत आयोजित की जा रही है, जिसमें मिशन लाइफ के बारे में जन जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आज की वेबिनार के प्रमुख वक्ता हैं डॉक्टर विजय श्रीधर, जो इस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इससे पूर्व मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इग्नू क्षेत्रीय केंद्र देहरादून के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार डिमरी जी को कि वो आए और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले समस्त प्रतिभागियों महानुभावों का स्वागत करें एवं इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में हम सबको अवगत कराएं। ओवर टू डॉक्टर अनिल कुमार डिमरी सर। थैंक यू डॉक्टर जगदम्बा। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर विजय श्रीधर जी, मेरे सहयोगी डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद और हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए विभिन्न प्रतिभागी, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों को जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र देहरादून की तरफ से सबका आपका स्वागत करता हूं। और विशेष रूप कर मैं जो अपने जो हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर विजय श्रीधर, इनका जो है स्वागत करता हूँ। और क्योंकि इन्होंने जो है हमने जब आपसे रिक्वेस्ट की कि आप इस विषय में बात करें, तो आपने अपने सेट्स स्वीकृति हमें प्रदान की और आज के मुख्य वक्ता के रूप में आप यहाँ पे हैं, इसलिए मैं और आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ और साथ में अपने सभी प्रतिभागियों का जो इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य जो है अतिथि हैं उनको सुनने के लिए, तथा क्योंकि ये एक जो विषय है अपने आप में बहुत ही चिंतनीय विषय है। और जो डॉक्टर जगदम्बा जी ने भी बताया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है 3.0 के तहत बेसिकली हमें तीन जो है मुख्य बातों पे ध्यान देना है। एक तो जो हमारे जो है एक तो हमने स्वच्छता जो है पूरे जितने भी ऑफिस प्रीमिसेस हैं जो भी हमारे स्क्रैप्स हैं उनको हटाना है। दूसरा जो है इसमें हमें अपने जीवन में जो जो ये लाइफ है इसमें कैसे हम जो है एक रचनात्मक एक्टिविटीज और क्रिया कार्यक्रम कर सकते हैं कि जिससे कि हम जो है जो आगे बढ़ें और जो भी हम अपना विकास करें या जो भी हम एक्टिविटीज अपनी करें उसमें हम पर्यावरण को कम से कम जो है क्षति पहुंचाएं। और इसी में बहुत सारी छोटी छोटी बातें इसमें कही गई हैं कि जिसका कि हम ध्यान रख सकते हैं। और इसके हम जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर ऑफिस में ही काम करते हैं और इवन अपने घरों में ही हैं, तो अगर हम अगर हमें अननेसेसरली जो है अपना जो है जो जो हमारे बिजली के उपकरण हैं, चाहे उसमें एसी चाहे हीटर है चाहे लाइट है चाहे या ट्यूबलाइट है, अगर इसको हम बंद रखेंगे जितनी हम इनकी उपयोगिता है उतना ही करेंगे, तो और उसके बाद इसको हम स्विच ऑफ कर लेंगे, तो यहीं से हम जो है एक तरह से जो है हम जो है इसके बहुत सारे अच्छे परिणाम होंगे। एक तो हमारा कंजम्पशन कम होगा, दूसरा जो है हमारा इनसे जो है जो कार्बन एमिशन या जो कुछ भी होता है वो जो है गम होगा। फिर जो है गवर्नमेंट और इवन इंटरनेशनल लेवल पे जो है सस्टेनेबल जो है ऑफिस एनवायरनमेंट की बात की गई है, जिसमें एनवायरनमेंट डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है, तो इन चीज़ों पे भी जो है हम इसमें भी कंट्रीब्यूट करने में मदद कर लेंगे। मैं बहुत ज़्यादा इसमें क्योंकि मैं इस विषय का जो है
एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पास आज इस विषय के एक्सपर्ट जो है डॉक्टर विजय सिरदर हैं, तो मैं उन्हीं से आगे आग्रह करूंगा कि आप अपनी बातें और अपने वक्तव्य रखकर हमारे जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इस विषय में जानकारी दें और उनको जो है उनका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने इस कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में हम सबको अवगत कराया। अब हम रुख करेंगे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर विजय सिद्धर जी का। इससे पूर्व मैं आपको डॉक्टर विजय सिद्धर के बारे में संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगा ताकि आप जान पाए। डॉक्टर विजय सिद्धर वर्तमान में दून विश्वविद्यालय देहरादून में स्कूल ऑफ एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। डॉक्टर सिद्धर 2009 से दून विश्वविद्यालय में एमएससी, एमटेक एंड पीएचडी के छात्र छात्राओं का अध्यापन कर रहे हैं एवं साथ ही एयर पोल्यूशन में गहन शोध कार्य में भी वो लगातार लगे हैं। डॉक्टर सिद्धर का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न रिफर्ड जर्नल्स में 32 से अधिक रिसर्च पेपर प्रकाशित किए गए हैं एवं वह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का सफलतापूर्वक संपादन भी कर चुके हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारे एमएससी एनवायरमेंटल साइंस के भी स्टूडेंट जुड़े हैं तो इसलिए मैं उनके उनके ज्ञान के लिए यह बताना चाहूँगा कि डॉक्टर श्रीधर एयर पॉल्यूशन के क्षेत्र में पार्टिकुलेट मैटर PM10, PM2.5 आप लोग पढ़ते हैं, VOC, एरोसोल, एम्बिएंट एयर क्वालिटी, पॉल्यूशन मॉडलिंग आदि विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर अपना शोध करते आए हैं और इनके इन विषयों पर शोध की क्वालिटी को देखते हुए भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के विभिन्न संस्थानों के द्वारा उन्हें एक्सपर्ट के रूप में बुलाया जाता है। आप जानते होंगे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वो एक एक्सपर्ट के रूप में उनके सेवाएं ली जाती हैं। ये हमारे लिए एक गौरव का विषय है। और ये भी आप लोगों को बता दें कि उनके प्रयासों के बाद दून विश्वविद्यालय में रेगुलर बेसिस पे एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की जा रही है और उसके द्वारा उनके डेटा CPCB और SPCB को लिए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसके आधार पर तमाम एनवायरमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए तमाम निर्णय लिए जाते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो 2019 में प्रारंभ किया गया था, NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो उसमें डॉक्टर सिद्धर नेशनल कंसल्टेंट के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए वाकई गौरव की बात है। और उपरोक्त उल्लेखनीय उपलब्धियों के अलावा हम देखते हैं, मैं जानता हूं क्योंकि वो एक मेरे मित्र भी रहे, हम लोगों ने साथ में जीवन में PhD किया है, तो मैं जानता हूं कि डॉक्टर सिद्धर एक सरल एवं सुलझे व्यक्तित्व वाले हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स अभी हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा MSc एनवायरमेंटल साइंस के प्रैक्टिकल उनके मार्गदर्शन में किए गए थे तो उन लोगों ने अप्रिसिएट किया है, तो ये बात मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था। और वे हमेशा शिक्षार्थियों के हित के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैं चाहता था कि आप सभी को मैं शेयर करूं। तो इन शब्दों के साथ में मैं डॉक्टर विजय सिद्धर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आज के विषय पर अपने अपने व्याख्यान प्रस्तुत करें और जो भी आप लोग अपने मतलब दून विश्वविद्यालय में अपने शोध कार्य में जो भी कुछ करते आए हैं वो भी आप इस अपने व्याख्यान में शेयर कर सकते हैं। सो ओवर टू डॉक्टर विजय सिद्धर। थैंक यू। धन्यवाद जगदम्बा जी। मैं सबसे पहले रीजनल सेंटर देहरादून इग्नू के आभारी हैं कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए उचित समझा और इसके लिए उन्होंने आमंत्रित किया। इसके साथ मैं डॉक्टर डिमरी एंड डॉक्टर रंजन कुमार एंड डॉक्टर जगदम्बर थपियाल उनके इस तरह के प्रयासों के लिए बधाई भी देना चाहता हूं कि जिससे एक तरह से इग्नू का जो डिजिटल फॉर्मेट है वो स्टूडेंट्स के बीच में हमेशा एक्टिव बना रहता है और स्टूडेंट्स भी इसलिए कई बार रेगुलर प्रोग्राम की जगह पर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं क्योंकि उनको वो सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्मेट में या कनेक्टेड वे में हमेशा मिल रही हैं। तो रीजनल सेंटर इग्नू उस सब के लिए बधाई का पात्र है। और इसके बाद मैं तो अपने PPT को शेयर करना चाहता हूँ और डॉक्टर सिद्धर ये आपका PPT दिख तो रहा है लेकिन वो फुल स्क्रीन में अभी नहीं आ पा रहा है, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। हाँ, एक बार उसे मतलब स्टॉप शेयरिंग करके फिर से दोबारा से शेयर कीजिए।
Yeah, it is now. Yeah. Okay. Thank you. So, जिस तरह का टॉपिक शुरुआत में डॉक्टर जगदम्बा ने बताया था कि अवेयरनेस जनरेशन ऑन मिशन लाइफ, बेसिकली दिस इज द स्पेशल कैंपेन 3.0 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूरे देश भर में चलाने के लिए निर्देशित किया था और उसके काफ़ी सफल परिणाम आना शुरू भी हुए हैं। और तो पूरे लगभग 16 स्लाइड्स हैं जिसमें हमने जितनी भी लाइफ थीम्स हैं, 7 लाइफ थीम्स हैं, उसको हम डिस्कस भी करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा अवेयरनेस जनरेशन ऑन मिशन लाइफ और मिशन लाइफ एंड स्पेशल कंपेन 3.0 पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली मिशन लाइफ एक तरह से हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का एक फिलोसफिकल आइडिया है, लेकिन इसके पीछे उन्होंने काफ़ी और उनके सहयोगियों ने काफ़ी परिपूर्णता रूप ध्यान दिया है कि किस तरह से कोई इस तरह के सोशल एडवेंचर्स को सफल बनाने के लिए हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। सो मिशन लाइफ इज बेसिकली नजिंग इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शन टूवर्ड्स लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, और ये लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का ही शॉर्ट फॉर्म लाइफ मिशन रखा हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी सारी मशीनरीज के साथ एक तरह से सोसाइटी इंडिविजुअल पर्सन को या एक एक व्यक्ति को और उसके बाद कलेक्टिवली समाज को एक तरह से पुश कर रहे हैं, जिससे इन सब चीज़ों के लिए जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और उसको प्रॉपर सेफ गार्ड बनाने के लिए या देने के लिए ये 7 थीम्स को अडॉप्ट करने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ ही जो स्पेशल कंपेन है वो 3.0 इस साल किया गया, पिछले साल वो दूसरा था, उससे पहले वाला, उससे पहले जो 2014 से उन्होंने जो स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया था उसी के कंटिन्यूस, उसमें बीच में कोविड भी आया तो बीच में कुछ चीज़ें कुछ टाइम के लिए रुकी, लेकिन 21 से फिर उन्होंने इसको फिर से 2-2 सप्ताह के लिए और इस बार तो पूरा महीने का प्रोग्राम रखा गया है। और उसके 3 स्टेप्स जो हैं, बेसिकली जो मिशन लाइफ है उसको 3 फेज में करने का आइडिया है। जो अभी हम बात कर रहे हैं नजिंग इंडिविजुअल, और ये नज इफेक्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। यदि हम इसको देखें कि इवन कुछ साल पहले जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, दैट वाज हैविंग द नजिंग इफेक्ट ऑन हाउ इंडिविजुअल पर्सन दे परचेज एंड कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी। तो उसमें छोटे एडवर्टाइजमेंट से लेके बच्चों के रोल उन सब के लिए या साइकोलॉजिकल बिहेवियर को किस तरह से अटैक करके इकोनॉमी में इस तरह के चेंजेज आते हैं। इसको एक तरह से सोशल डायमेंशन में इन्वायरमेंटल फील्ड में पहली बार इस तरह से मोबिलाइज किया जा रहा है, और एक तरह से पूरे अकेले भारत की बात नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए ग्लासगो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 26th यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसको शॉर्ट में हम COP26 भी बोलते हैं, उसी टाइम प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था, दैट वाज द बिगनिंग ऑफ दिस मिशन लाइफ। सो मिशन लाइफ कैन बिकम अ मास मूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल कॉन्शियस लाइफ स्टाइल। वॉट इज नीडेड टूडे इज माइंडफुल एंड डिलिबरेट यूटिलाइजेशन इंस्टेड ऑफ माइंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन। सो इस 2 लाइन के स्टेटमेंट से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बेसिकली उपभोक्तावाद के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा कंज्यूमरिस्ट होने के लिए उत्साहित किया था, कि जिससे नहीं तो अभी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए लोग हमेशा उपभोग बढ़ाने की बात करते हैं कि डिमांड नहीं है तो इकोनॉमी बढ़ेगी नहीं। इस चीज को बड़े ध्यान बड़े ही सरल तरीके से उन्होंने इसको माइंडफुल कंजम्पशन की बात की है, कि हमें जितनी जरूरत है उतना कंजम्पशन करें। हालांकि हम भारत में हम एक तरह से ट्रेडिशनली वी आर ट्रेंड फॉर सच कंजम्पशन पैटर्न, और यदि हम पुराने गांवों के एग्जाम्पल लें
कि जहाँ पर कुछ भी चीज फेंकने लायक नहीं होती थी। तो अब इस तरह की जो चीजें हैं कि जो हर एक प्रोडक्ट या एक जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है उसका नया उपयोग निकल के आ जाए, तो जो अभी कूड़ा जलाने की जरूरत पड़ रही है या कूड़ा फेंकते रहते हैं, नदियां चौक हो रही हैं, नालियां चौक हो रही हैं, और जो इस तरह की बीमारियां फैल रही हैं, जो जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की जगह पे कम्युनिकेबल डिजीज का रोकने के लिए पहले काफी प्रयासरत रहे हैं, लेकिन उसकी जगह पे अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी हमारे एक तरह से पूरे हेल्थ सिस्टम को अफेक्ट कर रही है। मैं अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह पे थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूंगा। सो बेसिकली अभी जो बात मिशन लाइफ में आई है कि हमें जो उत्पादन कर रहे हैं उसको केवल उपभोग के हिसाब से हमें बढ़ाते नहीं जाना है, हमें उसमें क्वालिटेटिव चेंज भी लाने की जरूरत है। सो अब एक तरह से कॉप्स 26 के बाद अब कॉप 28 होने वाला है दुबई में, 2 साल का टाइम बीत रहा है और इस बीच में काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं जो इन सब चीज़ों को उस डायरेक्शन में बढ़ाने के लिए चल रहे हैं, और इवन हर साल में कई प्रोग्राम मिशन लाइफ के सरकार की तरफ से आयोजित हुए हैं जिसमें सेंसिटाइजेशन पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए हैं। सो बेसिकली लाइफ इज अ पब्लिक मूवमेंट टू मोबिलाइज इंडिविजुअल्स टू बिकम प्रो प्लेनेट पीपल। सो ही ऑल्सो टॉक अबाउट द 3P। सो मोदी जी का जो एक तरह से इसमें प्रो प्लेनेट पीपल का जो 3P था उसको काफ़ी उन्होंने हाईलाइट किया था, जिससे हम एक तरह से पहले वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे, उसके साथ साथ हम एक तरह से ग्रह समर्थक लोग बनने की बात करें। ग्रह का मतलब हम अपनी पृथ्वी ग्रह की बात कर रहे हैं, और हम जो भी हमारे एक्शन हो वो एक तरह से हम ग्रह को संरक्षण देने के लिए उसको कैसे बचाना है या किस तरह के हमारे एक्शन उसको प्रोटेक्ट करें, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। सो अब ये सारे मिशन लाइफ के जो स्टेप रखे हैं, वी आर एट द फर्स्ट फेज राइट नाउ, और इसको हमने शॉर्ट में PPT में लिखा भी है, दैट इंक्लूड 3 phases। वन इज डिमांड साइड, अनदर सप्लाई साइड, एंड देन पॉलिसी इंटरवेंशन। जनरली बाकी अभी तक जितने भी मिशन है, जितने भी हमारे सामाजिक या आर्थिक सरोकार रहे हैं सरकार की तरफ से, पॉलिसी पहले बनाई जाती थी और उसके बाद फिर लोगों के बीच में उसको पहुंचाया जाता था, उस तरह से काम किया जाता था। लेकिन ये पहली बार हम एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से पहले इसको इंडिविजुअल लोगों के बीच में पहुंचाया जा रहा है, जिससे लोग को सेंसिटाइज हों, माइंडफुल कंजम्पशन शुरू करें, जिससे डिमांड साइड अपने आप थोड़ी सी कम हो। अदरवाइज यदि इसको पॉलिसी इंटरवेंशन के रूप में यदि पहले पेश करते तो इसके बहुत सारे हाय तोबा मस्ती, क्योंकि लोग इकोनॉमी स्लो डाउन की बात करते, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सारी चीज़ें। इसलिए लोगों को अपने आप पहले लोगों की चॉइस को हमें बदलने की ज़रूरत है, जिससे अपने आप जो डिमांड साइड है वो कम होना शुरू हो, और जब एक बार डिमांड साइड पर लोग क्वालिटेटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, तब गवर्नमेंट जो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन है, सप्लाई साइड है, उसको माइंडफुल प्रोडक्शन की तरफ एक तरह से नजिंग करेगी या उस तरफ उनको पुश करेगी, और उसके बाद फिर जो मेजर चेंजेस आएंगे दैट विल बी इंक्लूडेड और इंप्लीमेंटेड थ्रू पॉलिसी इंटरवेंशन। ये 3 phases हैं जो अभी एक तरह से हम फर्स्ट फेज में काम कर रहे हैं, उसमें लोगों की जागरूकता बहुत जरूरी है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, जिससे गवर्नमेंट फिर सप्लाई साइड एंड देन पॉलिसी इंटरवेंशन पे काम कर सके। सो एक तो एक मिशन लाइफ का प्रोसीजर जो सरकार की तरफ से दस्तावेज पेश है उसमें इस तरह से इन्होंने इसको प्रेजेंट किया है। फिर स्वच्छता स्पेशल कैंपेन 3.0 का पर्पज क्या था, बेसिकली ये अगेन बहुत सोचे समझी वर्किंग प्लान सिस्टम है गवर्नमेंट की तरफ से। सो इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द स्वच्छता कैंपेन गवर्नमेंट मेड द 4 lakh टॉयलेट, एंड दैट बेसिकली इम्पावरिंग द वुमन विद सुविधा स्वास्थ्य एंड सम्मान।
हालांकि 2014 से गवर्नमेंट की तरफ से लगभग मोर देन 2 करोड़ टॉयलेट्स वर कंस्ट्रक्टेड थ्रू आउट द इंडिया, लेकिन 2021 में बेसिकली जो भी इस कहीं गैप्स थे उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया और एक तरह से 4 लाख टॉयलेट उस टाइम कंस्ट्रक्टेड किए गए। सेकेंड ईयर कैंपेन फोकस्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ जंक फाइल्स दैट फ्रीड अप प्रीशियस ऑफिस स्पेस फॉर प्रोडक्टिव यूज एंड क्लीनिंग ई स्क्रैप। हालांकि दिस गोल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैंपेन 3, यानी इस साल भी ये गोल सारे सरकारी अफसर ऑफिस और उन सबको दिए गए हैं। उसके कई फायदे भी हैं, कई बार हम बिल्डिंग्स में जो बनी हुई हैं वहाँ पर स्पेस की कमी देख रहे होते हैं या अनऑर्गेनाइज्ड हैं या बहुत सारे फाइल और पेपर पड़े हुए हैं जिनको किसी के बारे में पता नहीं है, अलमारियाँ भरी हुई हैं और उनको हम कभी डिस्पोज ऑफ कर नहीं रहे होते हैं। सो पिछले साल भी सरकार ने इससे काफ़ी रद्दी के रूप में, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर्स के रूप में बहुत सारे काम किए थे और उससे एक तरह से रेवेन्यू जनरेशन भी सरकार ने किया था। उस सेम पर्पस को इस बार भी लिया गया है, जितने भी ऑफिस वगैरह में हैं उनको अपनी क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस के साथ साथ ऑफिस स्पेस को क्लीन करना, जो फाइल वगैरह जंक फाइल है उनको हटाना और उसको एक तरह से रिसाइकलिंग के लिए निकालना है। तो अभी कुछ इवन 15 दिन के जो फीडबैक हैं उसमें सरकार ने लगभग 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू केवल इस सब चीज़ों से जनरेट किया है और स्पेस जो खाली हुआ है उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, उसको अकाउंटेड एक तरह से कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन कई ऑफिस जहाँ कमरे या स्पेस खाली नहीं था आज वहाँ पर काफ़ी क्लीन और ओपन स्पेस मिला हुआ है, जिससे एस्थेटिक सेंस के साथ साथ काम करने के लिए भी हमें उत्साहवर्धक वातावरण मिलता है। हालांकि ये सारे जितने भी एक्शन हैं कहीं ना कहीं वो हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं, प्रभावित का मतलब यहाँ पर सकारात्मक रूप में हमें अच्छा काम करने, अच्छा रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, साथ में हमें इस तरह के इंडोर एयर पॉल्यूशन से भी बचाते हैं। कई बार ये इस तरह की फाइल्स और इस तरह के वेस्ट मटेरियल दे आर सोर्स ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ बायरोसोल और पोल्यूटेंट्स ऑल्सो, और जो हमें कई बार एलर्जिक और कई तरह के डिजीज के लिए एक तरह से इनोकुलम या सोर्स देते हैं। तो ये सारे चीज़ें, लेकिन ओवरऑल यदि हम ऑफिस या अपने कार्यालय या इन सबको आसपास साफ रखेंगे डेफिनेटली हम उस जो खाली स्पेस है उसको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं और हमारी जो नीड्स हैं स्पेस की वो भी फुलफिल होती है। तो ये तीनों उद्देश्य एक तरह से स्वच्छता स्पेशल कैंपेन के थ्रू सरकार कर रही है। सबसे बड़ा और जो इसका एक हिडन एजेंडा है एक तरह से कि बाई मूविंग एंड क्रिएटिंग द स्पेस बाई सेलिंग आउट दिस जंक फाइल एंड पेपर्स एंड ऑल दीज थिंग्स विच आर वेस्टफुल दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट फॉर द साइक्लिक इकोनॉमी और सर्कुलर इकोनॉमी बेसिकली। सो जितने भी इस तरह के पेपर इस तरह के आ रहे हैं उनको हम कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों में हम यूज करते हुए सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की भी कोशिश कर रहे हैं। सो सरकार के जो इस तरह के कंपेन है वो एक तरह से पूर्ण रूप से बहुत अच्छी तरह से विचार करके आगे बढ़ाए जा रहे हैं और जिसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों बेनिफिट्स लोगों को मिलते हैं। अब हम एक तरह से जो लाइफ थीम्स हैं दे आर बेसिकली 7 स्टेप्स और 7 फोकल पॉइंट्स, जिसमें सबसे बड़ा एक तो पानी को बचाने के लिए सेव वाटर थीम है, एक दूसरी सेव एनर्जी है, तीसरा रिड्यूस वेस्ट, सो एक तरह से अभी जो क्लीनिंग डिवाइस वगैरह या हम कर रहे हैं उसको हम वेस्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से रिड्यूस ई वेस्ट। आजकल
इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का बहुत सारा प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, हर जगह चाहे पानी हो चाहे हवा है उसमें कहीं ना कहीं टॉक्सिक मटेरियल रिलीज हो रहे हैं और हमारी हेल्थ को बढ़ावा खराब कर रहे हैं। और इसके खामियाजा हमें एक तरह से बढ़ते हुए कैंसर रेट जो इंडिया में है या और इवन नेशनल लेवल और इंटरनेशनल दोनों जगह पर बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिया में जो सिचुएशन बढ़ रही है वो एक तरह से एजिंग इफेक्ट के साथ साथ पॉल्यूशन का एक्सपोजर होना भी एक उसमें सबसे बड़ा कारण है। एक थीम जो है अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल एंड अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम एंड से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। सो इस सातों थीम को लाइफ थीम्स के रूप में गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और इसके पीछे भी बहुत सारे गोल्स हैं वो मीट आउट करने की बात है। और जिसमें पर्टिकुलरली यदि हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, सेव वाटर, सेव एनर्जी, रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस ई वेस्ट या हेल्दी लाइफ स्टाइल, सस्टेनेबल फूड सिस्टम, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो 3, 6, 7 और 7 बेसिकली उनको भी फुलफिल करते हैं। और इवन जिस इस तरह से हम पुराना यदि हम अपना रिकॉर्ड देखें कि सरकार ने जो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन वगैरह पे काम किया है जिससे हम ओवन डिफिकेशन फ्री विलेजेज और शहरों को कर पाए हैं और उसको प्रमोट करने के लिए सरकार अभी भी हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण कराती रहती है जिससे लोग इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक हों, वो अपने नगर पालिका नगर निगम के साथ मिल के उन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकें, अपने शहर को और गाँव को साफ रखने में कंट्रीब्यूट कर सकें। यदि हम सारी चीज़ें सरकार के भरोसे छोड़ेंगे, सरकार घरों की और या हमारे आसपास की सफाई करने के लिए उतना प्रोत्साहित या सेंसिटिव नहीं रह सकती जितनी हम लोग जो डायरेक्टली उससे अफेक्टेड हैं। सो कहीं ना कहीं ये जितने भी हमारे सामाजिक और या वातावरण से जुड़े हुए विचार हैं उसमें जब तक प्रत्येक व्यक्ति उसमें शामिल नहीं होता है तब तक सरकार उसको अपने या इंटरनेशनल गोल्स को उसको अचीव नहीं कर पाती है। इसीलिए सरकार के साथ साथ सभी लोगों का उसमें जुड़ना बहुत जरूरी है। तो अब यदि सरकार लाइफ थीम्स के थ्रू यदि सेव वाटर, सेव एनर्जी, रिड्यूस वेस्ट और या हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करती है तो वो एक तरह से 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट हैं जो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो गया या हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया या अवेलेबिलिटी ऑफ द एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी की बात है, ये तीनों गोलों को काफ़ी अच्छी तरीके से फुलफिल कर पाएंगे। अब क्योंकि सरकार एक तरह से जैसे जैसे हम थोड़े विकास के राय पे आगे बढ़ रहे हैं हमारी और यानी एक तरह से पहले जो वाटर सप्लाई थी कुछ पर्टिकुलर शहरों और गांवों तक थी वो एक तरह से अब 96 और 98% आबादी तक पहुंच रहा है। तो यदि वो वहाँ तक पानी की सप्लाई पहुँचानी है और उसमें पानी की सप्लाई बना के भी रखनी है तो हमारी जो पानी की खपत है, पानी की जरूरत है वो बढ़ रही है। तो उस पानी की खपत को हम जब तक कंजर्व करना शुरू नहीं करेंगे हम उस टारगेट को करने के बाद भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से बिजली की भी समस्या आने वाली है क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट अब पहले बिजली बहुत सारे हजारों गांव ऐसे थे, शहर थे जहां बिजली या तो थी नहीं है, थी तो कुछ घंटों के लिए थी। उसी तरह से शहरों में भी जहां हम 8 घंटे 10 घंटे बिजली पहुंचा रहे थे आज 24 आवर्स बिजली की व्यवस्था बनानी पड़ रही है। तो यदि बिजली प्रोडक्शन की एक टारगेट बना के चलेंगे तो उसके डेफिनेटली हमारे प्रदूषण बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे ही। और इवन जो गवर्नमेंट ने अभी तक प्रदूषण रोकने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं वो भी एक तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए सेव एनर्जी इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग क्लीन एनर्जी टू ऑल। यदि हमें सबके पास यदि हम डिजिटल कंटेंट और डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचा रहे हैं तो उसके लिए वो सक्सेसफुल तभी है जब वो बैटरी या उसको पावर सप्लाई मिल सके। तो इस सारे जरूरतों के लिए भी हमें बिजली को और या एनर्जी को बचाने की जरूरत है।
अब बिजली प्रोडक्शन कई अलग अलग मोड से हो रहे हैं, यदि हम उसमें उस मोड को अपनाते हैं और साथ में यदि हम उसकी इफिशियंसी भी बढ़ाते हैं तो हमें प्रोडक्शन पे जो इन्वेस्टमेंट है या सरकार के अपने तरीके हैं उसको हम जल्दी से अचीव कर पाएंगे। सो इस सारे सात गोल्स को जो है थीम्स को हम एक 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 करके डिस्कस भी करेंगे, लेकिन इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट परोक्ष और डायरेक्ट दोनों तरीके से बेनिफिट आम जन को मिलना है और मिलेंगे यदि हम इन सब चीजों को अभी से अडॉप्ट करना शुरू करेंगे। अब बेसिकली ये सभी फिर थीम वहां पर उपभोक्तावाद को कम करके संरक्षणवाद की बात पे भी फोकस है। फिलॉसफी यही है कि जितनी जरूरत है हम उतना यूज करें, अननेसेसरी हम उस तरह की वेस्टफुल एक्सपेंडिचर पे ना जाएं जो ये सारी चीजों को केवल उपभोग के लिए ही पैदा कर रहे हैं। वो एक तरह से जो महात्मा गांधी की फिलॉसफी थी पहले कि नेचर कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ एवरीवन बट नॉट ग्रीड्स, सो सिमिलरली प्रोडक्शन कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल पीपल इफ वी आर हैविंग द माइंडफुल एक्सपेंडिचर। देन सबसे पहला सेव वाटर। सो अब ये जो सातों थीम है इनमें सरकार की तरफ से बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स रखे हैं, हम सब लोग उसको देखते हैं लेकिन हमारे ऑब्जर्वेशन या हमारी सोच उन सब चीजों को कंट्रोल करने की नहीं है, इसीलिए सरकार को ये छोटे छोटे स्टेप और एक तरह से दे आर नजिंग टू इंडिविजुअल कि इस पे सोचें और इस पे थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो गवर्नमेंट के जो पूरी पॉलिसी है वो सक्सेसफुल होगी। सो सबसे पहला तो अडॉप्ट कल्टीवेशन ऑफ लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप लाइक मिलेट्स। अब मिलेट्स को प्रमोट करने के पीछे भी सरकार के कई फायदे हैं, कई इरादे हैं और उसके फायदे भी हैं। सो बेसिकली 1968 के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम आज इस पोजीशन में हैं कि वी आर सेल्फ सस्टेनिंग इन द फूड, इवन हम बहुत सारे फूड प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन जिस तरह से रिक्वायरमेंट है कई विदेशों में अलग अलग कंट्रीज की, हम यदि बहुत सारा पैदा कर भी लें तब भी हम उसको प्रॉपरली सबको फीड नहीं करा सकते हैं। उसके साथ हमारी अपनी जो लाइफ स्टाइल है जिसमें बढ़ते हुए लाइफ स्टाइल डिजीज का सबसे बड़ा कंसर्न लोगों के बीच में है, इवन सरकार को भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पिंच करती हैं कि इफ लाइफ स्टाइल डिजीज विल इंक्रीज दे कान प्रोवाइड द 100% हेल्थ केयर रिलीफ टू एवरीवन। अब ये सारे एग्जांपल एक तरह से हम कोरोना से भी हम सीख मिलती है कि बहुत सारे देश जहां बहुत अच्छे मेडिकल फैसिलिटी थी वहां भी कैजुअलिटी इंडिया या और कई डेवलपिंग कंट्री से ज्यादा रही है। अब इसका मतलब एक हम ये जरूर समझ सकते हैं कि अकेला मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने से हम डिजीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अब डिजीज जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल डायबिटीज वगैरह का है, अब मिलेट्स वो उसमें सब कहीं ना कहीं हमारी स्टेपल डाइट का भी रोल प्ले हो रहा है। 20-30 साल पहले लोग स्टेपल डाइट में मिलेट्स को भी काफी लेते थे और मिलेट्स के पैदा करने का एक तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो ड्राउट कंडीशन या कम पानी में भी अच्छे से पैदा हो जाती हैं। दूसरा जो लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में जो लोग भी थोड़े से जानते हैं कि मिलेट्स के जो सीड्स हैं या मिलेट्स हैं उनमें सबसे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू होती है, इसका मतलब वो हमें खाने के तुरंत बाद ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ाती है। सो इन सब चीज़ों के फायदा देखते हुए एक तरह से सरकार ने 2023 को मिलेट्स ईयर भी घोषित किया है। सो यदि हम लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप मिलेट्स को ग्रो कराएंगे हम अपने डाइट को ज़्यादा न्यूट्रिशन फुल बना पाएंगे, साथ में एग्रीकल्चर में जो वाटर रिक्वायरमेंट और इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के चलते कई जगह हम पानी नहीं पहुँचा पा रहे हैं वो भी हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होगी। उसी तरीके से पार्टिसिपेट इन रिचार्ज ऑफ रूरल वाटर बॉडीज थ्रू द अमृत सरोवर स्कीम।
पहले गांव में हर जगह वाटर बॉडीज बनी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इंक्रोच करना शुरू किया, या हमारा एक तरह से इग्नोरेंस ही था कि हमने वाटर बॉडीज के बारे में, उनके उनके रख रखाव के बारे में हमने ध्यान नहीं दिया, और वो धीरे धीरे सिल्ट के चलते या गंदगी के चलते या बिकॉज ऑफ द एबंडन एटीट्यूड ऑफ पीपल, हम उन सब वाटर बॉडीज को या तो कूड़ा ग्रह के रूप में या वैसे हमने छोड़ दिया। अब बहुत सारे गांव में थ्रू आउट द इंडिया अमृत सरोवर स्कीम के तहत उन सबको रिवाइव किया जा रहा है, और उसके कई फायदे भी हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए दे आर हेल्पिंग टूल्स इन ईच रूरल एरिया। उसके अलावा छोटे छोटे एम्प्लॉयमेंट से लेके एस्थेटिक सेंस, यानी हम वाटर बॉडीज के लिए घूमने के लिए कई जगह दूर दूर जाते हैं, लेकिन अपने छोटे अपने आसपास के वाटर बॉडीज को हम मेंटेन नहीं करते। वाटर बॉडीज एक तरह से बायोडाइवर्सिटी को भी इनकरेज करती हैं, कई तरह की बर्ड्स हम देखने को मिलती हैं, हम कई तरीके के न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प मिलती है। सो वाटर बॉडीज हर अर्बन एरिया, हर रूरल एरिया के आसपास बहुत जरूरी है, और दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ प्लानिंग ऑफ लैंड यूज पैटर्न, कि हर एक लिमिटेड एरिया में कहाँ एक वाटर स्टोरेज टैंक हो। और पुराने टाइम में भी कई लोलैंड एरिया में दीज वाटर बॉडीज वर द सोर्स ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट फ्लड, वहाँ पर बाढ़ आती नहीं थी क्योंकि उसके उसके लिए उन्होंने इन वाटर बॉडीज को इस तरह का चैनल बनाया हुआ था जिससे एक जगह पानी भरने के बाद दूसरी वाटर बॉडीज के कनेक्टेड चैनल से वो निकल जाते थे। अब कई जगह आज के टाइम में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। तीसरा प्रैक्टिस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये अगेन एक तरह से मूव फ्रॉम राइस एंड व्हीट कल्टीवेशन, जिससे हमारी निर्भरता गेहूं और चावल से हट के बाकी क्रॉप पे भी हो, जिससे हमें कई क्रॉप हमें या लेंटिल्स और इस तरह की दालें हमें बाहर से मंगानी पड़ रही हैं, उसकी जगह पे हम इंडिया में ही उसको ग्रो करें, और उसमें हमारा इरिगेशन से लेके टाइम और ऑल फर्टिलाइजर डिपेंडेंसी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट वाइज यूज इफिशियंट वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी, जिसमें माइक्रो इरिगेशन हो गया, बंडिंग हो गया, लेजर लेवलिंग। सो एक तरह से ये सारे एग्जाम्पल हैं, वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर फार्मिंग के एग्जाम्पल हैं, और इसमें इसराइल से लेके कई ड्राई कंट्रीज दे आर हैविंग एक्सपर्टीज, और उन्होंने इंडिया में काफ़ी इस तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एग्रीमेंट किए हुए हैं। लेकिन केवल जरूरत इस बात की है कि जो लोग भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हैं उन नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, जिससे दे शुड बी रेडी टू न्यू टेक्नोलॉजी फ्रंट, और उन्हें आगे बदलते परिवेश और बदलते क्लाइमेट चेंज सिनेरियो में दिक्कत ना हो। सिमिलरली रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कई जगह स्कूल और ऑफिस वगैरह में पहले से सरकारें और लोग करते आ रहे हैं, लेकिन इसको अब घरों में भी पहुंचाने की जरूरत है। ड्रिप इरिगेशन, ये प्रिसीजन फार्मिंग का जो आगे है, लेकिन इसमें साथ में उन्होंने वेस्ट मटेरियल्स को यूज करने की बात की है, क्योंकि हम बहुत सारा इस तरह की चीज कर रहे हैं जिसमें प्लास्टिक के पाइप से लेके सारी चीजें यूज करते हैं, वो अगेन कहीं ना कहीं हम सॉइल को या इन्वायरमेंट को लॉन्ग टर्म में खराब करने के लिए अभी से कुछ इस तरह के उपयोग कर रहे हैं, जिसको रोकने की जरूरत है। देन रीयूज वाटर फ्रॉम वास्ट वेजिटेबल्स, और घरों में लोग यदि पानी यूज कर रहे हैं क्लीनिंग के लिए, उसको नाली में ना बहाएं, उसको प्लांटेशन के लिए, प्लांट्स को इरीगेट करने के लिए यूज कर लें। इस तरह के छोटे छोटे उपाय हैं जिसको हम अपने प्रतिदिन की लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट करते हैं, हम बहुत सारा पानी कंजम्पशन से बचा पाएंगे। यदि हम कंपेयर करें आज के टाइम में, यदि कोई भी नया शहर या नई कॉलोनी या कुछ भी प्लानिंग की जाती है, हम 150 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से कंजम्पशन की बात कर रहे होते हैं। और यदि हम इसको ग्रामीण और पुराने परिवेश से देखें कि जहाँ पर 20-30 लीटर भी पानी मिल जाता है, वो लोग काफी खुश रहते हैं। तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है एक तरह से प्लानिंग में, वो 150 लीटर भी कई जगह पे कम बैठ रहा है, तो
क्योंकि हम इस तरह से वेस्टफुल एक्सपेंडिचर पानी का भी बहुत सारा बढ़ाते जा रहे हैं। जब भी हम नल को खोल रहे होते हैं, नल को पानी बहते रहने देते हैं, उसको रोकते नहीं हैं, तो उसके लिए एक तरह से बकेट डायरेक्ट हॉस पाइप या उससे यूज करने की जगह पे हम बकेट्स को यूज करें, जिससे हमें पता रहे कि हम कितना पानी कंज्यूम कर रहे हैं। छोटे छोटे लीक्स बने रहते हैं, इवन टॉयलेट वगैरह में लोग जो प्लस वगैरह है उसकी मरम्मत नहीं करते हैं, जिससे हमेशा पानी लीकेज होता रहता है। अब इस ये जो लीक हैं, ये सब चीज़ें यदि आप साल दो साल में हम उसको चेक करते रहें और उसमें छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन पानी की जो वैल्यू है या कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, उसको हम बचा सकते हैं। इवन कई जगह पे एग्जांपल इस तरह कि जैसे सरकारी हमारे यहाँ भी एक हॉस्टल में एक रूम में लीकेज होता रहता था, कोई स्टूडेंट उसको लेने को तैयार नहीं होता था। एक छोटा सा लीकेज था, जरूरत पर जैसे ही प्लम्बर ने सही किया वो रूम अच्छा हो गया और वो एक तरह से एक स्टूडेंट्स के रेजिडेंस का काम फुलफिल कर दे रहा है। अब उसकी जरूरत बाकी लोगों को की जगह पे हम उस स्टूडेंट से पूछें जिसको रूम नहीं मिल रहा होता है, वो उसकी अहमियत ज्यादा अच्छी तरह से बता सकता है। तो ये नीड बेस्ड जो असेसमेंट है वो बहुत जरूरी है हमें किसी भी चीज को उसकी वैल्यू समझने के लिए। तो कई बार पानी के किस तरह से लीकेज हमें कंट्रोल करने हैं, ये हर घर में इसकी परेशानी रहती है। इवन हम छोटे छोटे आज के टाइम में नोजल आ रहे हैं, जो उसको नल में लगा के हम कम पानी में डिशवाशर और डिश को एंड प्लेट्स को साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये सारे जो अटेम्प्ट हैं एक तरह से वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत जरूरी है। उसी तरह से यूज वाटर एफिशिएंट फिक्सचर्स फॉर टैप्स, शॉवर हेड्स एंड टॉयलेट फ्लश यूनिट, इन्वेस्ट इन वाटर मीटर। अब लोग इस वाटर मीटर नहीं है तो उन्हें पता नहीं कि कितना कंजम्पशन हो रहा है, तो इस तरह के वाटर मीटरिंग से हमें ये हर महीने पता चलता रहता है कि हमारे पानी का कंजम्पशन कितना है। फिर उसी तरह से रीयूज वाटर ड्रेन, अब आज के टाइम में आरओ या जो एसी है उनमें या क्लीनिंग और बहुत सारा पानी बर्बाद होता है आरओ में। तो यानी अब आरओ की जरूरत भी इसलिए पड़ी क्योंकि हमने अपने पूरे सरफेस वाटर को खराब कर दिया है। यदि सरफेस वाटर हमारा सही होता तो हमें शायद इस तरह के आरओ सिस्टम घरों घरों में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब लेकिन आरओ को लगाने के बाद भी हम उससे एक तरह से जितना पानी 10 लीटर पानी ले रहे हैं तो 20 लीटर पानी हम एक तरह से ड्रेन में निकाल भी रहे हैं। तो उस तरह के सिस्टम हमें थोड़े से माइंडफुल एक्सपेंडिचर करने और माइंडफुल कंजम्पशन की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। देन नेक्स्ट पॉइंट सेव एनर्जी आ जाता है। तो एक सक्सेसफुल मॉडल है, यदि हम उसको ऑब्जर्व करें कि पिछले 8 साल में हमने किस तरह से पुराने बल्ब जो टंगस्टन वायर के या सीएफएल के होते थे, उन दोनों की जगह पे हमने एलईडी बल्ब को रिप्लेस किया है, ट्यूबलाइट्स को रिप्लेस किया है। यदि एनर्जी कंजम्पशन की बात करें, हमने उस इस तरह के एफर्ट्स से हमने लगभग 100-150% एनर्जी कंजम्पशन हर घर में किया है। लेकिन इसके साथ जो इन्वायरमेंट को सपोर्ट मिला है, एक तरह से सीएफएल में हम बहुत सारे मरकरी यूज करते थे, हम उस सब चीज़ों को भी हमने बचाया है। अदरवाइज अगले 10 साल या 20 साल में किस तरह से प्रॉब्लम बढ़ती हैं, हम उसका एग्जांपल जो लेड मिक्स गैसोलीन का था उससे हम ले सकते हैं कि लोगों ने एंटी नॉकिंग एलिमेंट के रूप में पीवी जो मेटल्स होता है लेड, जो एक तरह से हम गैसोलीन में मिलाते थे, उसका नीरो इफेक्ट बच्चों में जब देखने को मिला तो हमें जो बेनिफिट एक तरह से एंटी नॉकिंग एलिमेंट के रूप में था उससे ज़्यादा हमें हेल्थ इश्यूज के रूप में देखने को मिला। इसलिए इमिडिएटली विद इन 10 साल सरकारों ने लेड एडेड गैसोलीन को रिप्लेस करना शुरू कर दिया था, और लेकिन उसकी अभी तक उसके इम्पैक्ट समाज में या बच्चों पे अभी भी देखने को मिलते। तो इस तरह के बहुत सारे हैं जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुई हैं, शॉर्ट टर्म में वो हमें बहुत अच्छे दिखाई देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत सारे दिक्कत पैदा करते हैं, जिसमें सीएफसीज भी एक एग्जांपल है। जब अमोनिया को रिप्लेस करके हमने फ्रीजिंग या रेफ्रिजरेटिंग के लिए हमने सीएफसीज को यूज किया, लेकिन आज क्लाइमेट चेंज से लेके ग्लोबल वार्मिंग जो इशूज है वो कहीं ना कहीं उससे यानी उस ओजोन डिप्लीशन की जो बात आई है वो सीएफसीज के थ्रू है। और सीएफसीज या बाकी और ग्रीन हाउस गैसेस हैं, एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग को
बढ़ा रही है। तो ये कई बार जो डेवलपमेंट्स हैं शॉर्ट टर्म में हमें पता नहीं चल रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म में दे आर अफेक्टिंग द होल कम्युनिटी। सो इसी तरह से हम कई बार घरों में एक्सरसाइज के लिए मशीन से यूज कर रहे हैं, लेकिन बाकी टाइम में हम लिफ्ट को यूज कर रहे हैं। सो टेक द स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ एलिवेटर वेयर एवर पॉसिबल। सो छोटे छोटे हमारे कदम या स्टेप्स हैं, हम उन सब में अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हुए बहुत सारी एक्सरसाइज, जिसको हम एक तरह से एक तरह से हम जिम जाके अपने फिट रहने की कोशिश करते हैं, बाकी टाइम हम एनर्जी डिपेंडेंट है, उन सब में हम कन्वर्ट करके या उन सबको रोक के हम काफी कुछ एनर्जी सेव कर सकते हैं। स्विच ऑफ व्हीकल्स इंजन एट द रेड लाइट्स, यूज बाइसिकल फॉर द लोकल और शॉर्ट कम्युनिकेशन, स्विच ऑफ इरीगेशन पंप्स आफ्टर यूज, प्रेफर सीएनजी ईवी व्हीकल्स ओवर पेट्रोल डीजल व्हीकल्स, यूज कार पूलिंग विद फ्रेंड्स एंड कलीग्स। सो बेसिकली दे आर मेंट फॉर कंजम्पशन ऑफ द एनर्जी, एंड ऑल्सो इफ वी आर एबल टू conserve certain percentage of energy, we can provide the energy to others. नहीं तो सबके लिए हमें नए नए पावर प्लांट या सोलर प्लांट लगाने होंगे, और वो सरकार और या बाकी लोगों के लिए इतना आसान काम नहीं है। उसी तरह से करेक्ट ड्राइविंग के लिए जरूरी है सोलर वाटर या सोलर कुकर हीटर ऑन रूफ टॉप, स्विच ऑफ अप्लायंस फ्रॉम प्लग पॉइंट्स व्हेन नॉट इन यूज। सो अब यहाँ पर बायोगैस से लेके ये सारे कहीं ना कहीं जो स्टेप्स हैं वो एनर्जी इफिशेंसी और एनर्जी क्लीन एनर्जी के लिए लिखे, क्योंकि यदि हम कोल बेस्ड एनर्जी से थोड़ा सा भी हट के यदि सोलर पे जाते हैं और या दूसरे मोड में जाते हैं जो कम पॉल्यूशन रिलीज करते हैं, क्योंकि कोई भी इस तरह की एनर्जी यदि हम देखें वो फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी नहीं हो सकती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं या तो कंटिन्यूस रिलीज ऑफ द पॉल्यूटेंट्स है या एट द बिगनिंग या इन डिफरेंट स्टेज। इवन सोलर पैनल्स वगैरह के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट वो बाकी टाइम में हमें एनर्जी कंजम्पशन और एनर्जी अल्टरनेट एनर्जी सोर्स दे रहे हैं, इसलिए वो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग का सिस्टम है कि हमें किस चीज को प्रायोरिटी देना है। कीप टेम्परेचर ऑफ द एयर कंडीशनर, कई बार लोग 16-17 डिग्री पर एसी चला के छोड़ के चले जाते हैं ऑफिस वगैरह में, तो ऑफिस में नहीं है तो एसी बंद रहे, लाइट बंद रहे। उसी तरह से घरों में भी यदि हम एसी को 24 डिग्री के लिए यूज करेंगे तो एक तरह से एट दैट टाइम और डिग्री सेल्सियस दे आर वर्किंग ऑप्टिमली, उस टाइम वो उनकी एनर्जी कंजम्पशन कम रहता है। उसी तरीके से प्रेफर प्रेशर कुकर, घरों में हम खाना वगैरह बना रहे हैं उसको यदि हम कुकर में बनाएंगे एनर्जी कंजर्व रहेगी और वो जल्दी पक जाएंगे, तो हमारे एलपीजी या बाकी एनर्जी कंजम्पशन कम होगा। कीप योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन एनर्जी सेविंग मोड, यूज स्मार्ट स्विचेस फॉर अप्लायंस दैट आर यूज फ्रिक्वेंटली। सो इस सारे पॉइंट्स हमारे क्लीन एनर्जी से एनर्जी कंजर्वेशन के लिए है। इंस्टॉल कम्युनिटी अर्दन पॉट्स फॉर कूलिंग वाटर, डिफ्रॉस्ट फ्रिज और फ्रीजर रेगुलरली, रन आउटडोर्स इंस्टेड ऑफ द ट्रेडमिल। देन थोड़ा टाइम कम पड़ रहा है, मैं जल्दी कोशिश करता हूँ। फिर एक पॉइंट है जो सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए है। सिंगल यूज प्लास्टिक में सरकार की तरफ से काफी रिस्ट्रिक्शंस इंप्लीमेंट करने के लिए बोले गए हैं, लेकिन क्योंकि लोगों का सहयोग जब तक नहीं मिलेगा उस चीज को डिमांड साइड पे खत्म नहीं करेंगे, प्रोडक्शन खत्म नहीं होगा। तो इसलिए सरकार एक तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक को या तो कम करना चाहती है या बिल्कुल खत्म करना चाहती है, लेकिन कुछ आइटम्स सरकार ने उनको बैन कर दिए हैं जिससे उसके प्रोडक्शन और उस पर लोगों के यूज पे थोड़ा सा चेंज आए। लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स यहाँ भी हैं कि जैसे हम कुछ चीजें हैं कि जिसको हम खत्म नहीं कर सकते, जैसे दूध का पैकेट है वो अभी प्लास्टिक पैकेट में ही आ रहा है, तो लेकिन कई बार हम उसको काटते हैं, पूरा काट देते हैं, फिर छोटे छोटे पीस वो नाली और पानी में बहके जमा होते रहते हैं, तो वहां पर हम उसको पूरा ना काटें जिससे छोटा सा स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लास्टिक वो उसी से अटैच रहे जिससे उसका कलेक्शन में हमें दिक्कत ना हो, या हम उसकी जगह पर प्लास्टिक की टूथब्रश की जगह पर बेम्बू टूथब्रश या नीम
हम इस तरह से यूज करें, जहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक पे थोड़ा सा रोक लगा सके, हमारे कंजम्पशन पे वो थोड़ा सा विजिबिलिटी आए कि हमने कम किया। एक तरह एक टाइम था जब हम ये प्लास्टिक यूज करते नहीं थे, लेकिन आज के टाइम में हम पर कैपिटा 100 ग्राम से लेके 300 ग्राम पर मंथ हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। उन सब चीजों को रोकने की जरूरत है। देन अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम, इंक्लूड मिलेट्स एंड न्यूट्रिशियल्स, क्योंकि ये सारी चीजें, यदि फूड सिस्टम हमारा अच्छा रहेगा, हमारी हेल्थ और हमारे लाइफ स्टाइल दोनों चीजों पे उसके पॉजिटिव असर देखने को मिलेंगे। देन रिड्यूस वेस्ट, ये एक तरह से हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी पार्ट है कि हम किस तरह से वेस्ट प्रोडक्शन रिड्यूस करें, जिससे सैनिटेशन और हेल्थ और हाइजीन को हम अचीव कर सकें। सो सरकारों ने गोवर्धन एक स्कीम चलाई है, जहां बायोगैस प्लांट की बात कर रहे हैं, बायो सी एन जी हो गया, कंपोस्टिंग मैन्योरिंग हो गया, और या कंजम्पशन इवन यूजिंग द डिजिटल कंपोनेंट, जिसके थ्रू हम पेपर्स वगैरह पे कंजम्पशन को कम कर पाएंगे। उन सब चीज़ों को इवन पेपर्स वगैरह जो है उनको हम रिसाइकल करने की भी ज़रूरत है, और उसी के लिए सरकार एक तरह से रिसाइकल पैकेजिंग का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत जगह पर कई बार थर्माकोल से लेके, हालांकि वो बैन हो गए हैं, कई जगह हम उनको पैकेजिंग के लिए भी यूज करते हैं, उसकी जगह पे हम बायो बेस्ड या बंबू बेस्ड जो पैकेजिंग कंपोनेंट है हम उनको यूज करें, जिससे इन्वायरमेंट पे उसके असर ना पड़े, या इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें हम उसको पैकेजिंग में यूज करें। सो वहाँ पर भी बहुत एक तरह से सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा यदि हम बायो बेस्ड प्रोडक्शन पैकेजिंग के लिए यूज करना शुरू करें, और उसमें क्योंकि बहुत अभी डिमांड भी है, और इंडिविजुअल स्मॉल एरिया कैन सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ बैम्बू प्रोडक्शन। सो ये सारी चीज़ें एक तरह से रिड्यूस वेस्ट का ही कंपोनेंट है। देन बाय पेपर प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रिसाइकल पेपर, और या ओल्ड क्लॉथ्स को डोनेट करना या बुक्स को डोनेट करना, जिससे, और डू नॉट डिस्कार्ड वेस्ट एंड वाटर बॉडीज, जिससे पर्यावरण को हम बचा सकें। देन लास्ट पॉइंट इज, सेकेंड लास्ट इज अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल। सो अगेन फिर यहाँ पर मिलेट का जिक्र कर सरकार ने किया हुआ है, क्योंकि डायबिटीज और डिफरेंट न्यूट्रिशिकल कंपोनेंट हम मिलेट से फुलफिल कर सकते हैं। मिलेट्स में एक तरह से लो ग्लाइसमिक इंडेक्स के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स, मिनरल्स सपोर्ट मिल जाता है, जिससे हमारे, और उससे यानी स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए भी बहुत सारे इस तरह की रेसिपी डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज की तरफ से आ रहे हैं, जिससे इवन बिस्किट वगैरह आज के टाइम में काफ़ी मार्केट में हैं। छोटे छोटे चीज़ें हैं जो हमें कोविड के टाइम हमने फेस किए हैं, कि लोग बहुत सारे मेडिसिन आयुर्वेदा खरीद रहे थे, लेकिन उन सब के एक तरह से मेडिसिनल सैंपलिंग को हम अपने छोटे छोटे गमलों या घरों में भी लगा सकते हैं। और एग्जांपल तुलसी तो हम सब घरों में पहले लगाते देखते ही आए हैं। सो नीम हो गया, तुलसी, गुलाय, मिंट, करी लीव्स, अश्वगंधा, ये सब को हम घरों में अपने कैंपस या अपने प्रमाइसिस में लगा सकते हैं। ये सारे कंपोनेंट एक तरह से हम बायोडाइवर्सिटी को बचाने में और में भी हेल्प कर सकते हैं, और हमारी अपनी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो सकती है। प्लांट ट्रीज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन, ये हर जगह पे आज के टाइम में गांव और शहर हर जगह पॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट है उसका एक तरह से हम यदि पॉल्यूशन इमिशन को कम कर पाए, ये एक साइड इफेक्ट है या एक तरह की हम स्ट्रेटजी है। दूसरी तरफ हम उसको पॉल्यूशन को और कैसे कम करें, उसका एक तरीका यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जैसे ओपन स्पेस में गंदगी ना रहे, या प्लांट्स भी बहुत सारे पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब और हटाने में हेल्प करते हैं। उसी तरह से अवॉइड परचेजिंग प्रोडक्ट सोवनियर्स मेड फ्रॉम स्किन तस्कर एंड फर और वाइल्ड एनिमल्स, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और या इलीगल ट्रांसफर ऑफ दीज वाइल्ड एनिमल्स, उस पर रोकथाम लगा सकें। क्रिएट द वॉलंटियर एट द कम्युनिटी फूड एंड क्लॉथ बैंक्स एंड एट एनिमल शेल्टर्स। सो ये सारे एक तरह से पार्ट हैं अडॉप्ट हेल्थी लाइफ स्टाइल सिस्टम के। अल्टीमेटली इन लास्ट रिड्यूस द ई वेस्ट प्रोडक्शन, हम जितनी यदि हम
ये हमारी एक तरह से फिर से वेस्टफुल एक्सपेंचर है कि नया मोबाइल आया तो हमें नया मोबाइल एक साल में बदलना है। इफ पहले के टाइम में हम मोबाइल की या कोई भी कंपोनेंट, कोई भी गैजेट या कोई भी प्रोडक्ट होता था, उसको हम जब तक यूज करते थे जब तक उसकी एक तरह से यूजफुलनेस बनी हुई थी। लेकिन आज के टाइम में हमें कई बार वो उस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम एक स्टेटस सिंबल के रूप में कई बार 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 हम डिवाइसेस को बदल रहे हैं। यदि इस तरह के कर भी रहे हैं तो वी शुड सबमिट दैट ओल्ड डिवाइस टू द कलेक्शन सेंटर। हालांकि इंडिया में उस तरह की पॉलिसी नहीं है जहां पर इसके रिप्लेसमेंट या रिसाइकलिंग के लिए चार्ज पहले लिए जाते हैं, लेकिन यदि हम इस तरह के एफर्ट्स अभी से नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि पाँच और कुछ सालों में जब गवर्नमेंट इस तरह के पॉलिसी डिसीजन ले तो यूरोप की तरह ई वेस्ट पे प्रोडक्शन पे हमें चार्ज पहले से देना पड़े। तो उस तरह की पॉलिसी इंटरवेंशन से बेहतर है कि हम वी शुड अडॉप्ट टू द हेल्दी एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न एंड ऑल्सो सपोर्ट इन द रिसाइकलिंग ऑफ द ई वेस्ट। सो डिस्कार्ड गैजेट इन द नियरेस्ट रिसाइकलिंग यूनिट्स, यूज रिचार्जेबल लिथियम सेल्स एंड प्रेफर क्लाउड स्टोरेज ओवर पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव। सो कुछ पॉइंट्स ई वेस्ट के, हालांकि हम देखें कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें मेमोरी चिप से लेके ओल्ड कैमरा और बहुत सारे चीज़ों को हम आज के टाइम में डिस्कार्ड किए रहे हैं। इस जितने भी ई वेस्ट हैं या ई प्रोडक्ट हैं उनमें बहुत कुछ रेयर अर्थ मेटल्स यूज होते हैं जिनको हम रिसाइकल करके एक तरह से अर्थ की माइनिंग को भी बचा सकते हैं, साथ में हवा और पानी और खाने पीने की चीज़ों को पॉल्यूटेड होने से बचा पाएंगे। तो रिड्यूस ई वेस्ट इज ऑल्सो वेरी डिजायरेबल टारगेट बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिशन लाइफ। सो विद दीज वर्ड्स आई एम कम्प्लीटिंग दिस लेक्चर टू ऑल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन दैट इज मोस्ट वेलकम, एनीवन कैन आस्क राइट नाउ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विजय श्रीधर फॉर योर वंडरफुल एंड इनरिचिंग प्रेजेंटेशन। आपने बहुत ही सरल शब्दों में एंड बहुत सारी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां हम सभी से शेयर की हैं, और ये सभी जानकारियां हमारे डे टू डे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिनको हम अगर फॉलो करें तो जो हमारा जो मिशन लाइफ है उसका जो गोल है वो भी पूरा होगा, हमारे जो धरती है वो जीने के लिए बेहतर बन सकेगी। तो ये हम सभी के लिए और खासतौर पे हमारी जो नई पीढ़ी है, जो हमारे लर्नर्स हैं जो कि इस मीटिंग में जुड़े हैं, उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। क्योंकि समय कम है और वैसे हम थोड़ा सा लेट में शुरू हुए थे तो इसलिए थोड़ा सा हम समय ले सकते हैं। यदि किसी स्टूडेंट या पार्टिसिपेंट की कोई क्वेरी है, जो प्रतिभागी यहाँ पे आए यदि कुछ अपना बात कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात कह सकते हैं। उसके बाद हमारे रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार डिम्बी जी कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क में कहेंगे और में थोड़ा सा हम लोग आपका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। तो किसी पार्टिसिपेंट को इस वेबिनार के कंटेंट के बारे में अपना कुछ रखना है, कुछ विचार करने हैं तो कृपया अर्पिता राय, आपने हैंड रेज किया है, आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, या कोई और भी अपनी बात संक्षेप में रखें और अपना हल्का सा परिचय दें कि आप कौन हैं और क्या कहना चाहते हैं, लेकिन बहुत संक्षेप में हम बात रखेंगे क्योंकि समय वाकई थोड़ा ज्यादा हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। कृष्णा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नमस्ते डॉक्टर श्रीधर साहब और सभी माननीय मेरे शिक्षकगण, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सर, मैं दरभंगा बिहार से हूं और आज का जो प्रेजेंटेशन रहा वो बहुत ही अच्छा रहा, इसके लिए मैं सर को हार्दिक साधुवाद देता हूं, बहुत ही धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। अर्पिता रॉय सर। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। यस बोलिए बोलिए। सर ये गूगल फॉर्म भरने के बाद ईमेल पे एक मैसेज आया है, उसको क्या मतलब है सर? देखिए, गूगल फॉर्म आपने भरा होगा ना तो उसमें एक रिस्पोंडेंट कॉपी जाती है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपने गूगल फॉर्म भरा है इसलिए इसके कॉपी आपके पास एक्नॉलेजमेंट के रूप में मिली है, तो कोई भी दिक्कत नहीं, उसे रखिए आप। और हमने जैसे कहा है जो भी पार्टिसिपेंट जिन्होंने पूरा कार्यक्रम देखा है, उसमें प्रतिभाग किया है, तो उनको एक हम ई सर्टिफिकेट उनके ईमेल पे भेजें, लेकिन जो कॉपी आपकी आई है उससे आप घबराए नहीं, उसका कोई मतलब, वो एक एक्नॉलेजमेंट है कि आपने गूगल फॉर्म भरा है, नथिंग एल्स।
थैंक यू उसका प्रिंट लेने की जरूरत नहीं है। रीना रजवाड़े आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। सर मेरा क्वेश्चन एक था, मेरे को हमेशा इसे एक देख के नदियों का देख के थोड़ा सा अफसोस होता है सर कि जितने सीवेज लाइंस हैं सारी नदियों की तरफ ही मोड़ दिया जाता है, तो वैसे ही पानी कम आ रहा है, बरसात आ रहा है तो पूरा बह के निकल जा रहा है उस टाइप से। तो सर सीवेज लाइंस जैसे शहर के सारे गंदा पानी उसी में जा रहा है, मतलब एक तरफ हम उसका पानी को रिसाइकल करके यूटिलाइज भी कर रहे हैं कुछ पोर्शन में, कुछ पोर्शन में ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं सर, तो उसके लिए कुछ निर्देश दे पाए सर। डॉक्टर सिद्धर आप कुछ कहें? नहीं, सीवेज और सीवर लाइन को नदी में मिलाने का तो वैसे भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से मनाही है। यदि कहीं इस तरह के मिलाया जा रहा है तो जो लोकल नगर पालिका या ग्राम समाज है या नगर निगम है उनको तुरंत उसको रोकने की जरूरत है, और नहीं तो एक जागरूक नागरिक की तरह आप अपने स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इस बारे में सूचित कर सकते हैं और उसके बाद नगर निगम या जो नगर पालिका है उनको उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी सर एक्चुअली क्या है वो कंस्ट्रक्शन जैसे काम हो रहा है तो वो नगर निगम के थ्रू ही हो रहा है कि कहीं से फ्लो हो रहा है तो उसके लिए मैं जैसे कहीं अगर उसके लिए जागरूक तो मतलब कहीं जाके एप्लीकेशन दे दूं कि उसके ऊपर कुछ या शहर की जितनी भी सीवेज लाइन्स हैं जितने भी नाले हैं रायगढ़ के वो मैक्सिमम नाली बन चुके हैं, अब बहुत सारे पुराने जो नाले हैं सर, तो उसको देख के मुझे बहुत खराब लगता था और क्या कर सकती हूँ उसके ऊपर मैं सोचा करती थी, बट उसके ऊपर क्योंकि इतने बड़े लेवल पे होता है सर कि छोटा सा इंसान स्टूडेंट जाके बोले तो मतलब बाकी किसी को समस्या नहीं हो रहा है, बस इसी को समस्या हो रहा है, ऐसा टाइप का थोड़ा सा चीजें हो जाती है सर, तो इसलिए मैं जानकारी चाह रही थी कि अपन छोटे लेवल पे कि उसके ऊपर भी कुछ काम हो जाए इस टाइप से सर। नहीं आज के टाइम में यानी फर्स्ट चाहे छोटे हो चाहे बड़े बूंद बूंद से सागर या गागर भरता है और सागर भरता है, तो आप पूरे रायगढ़ का मत करिए, आप एक छोटे अपने आसपास के नाले उसके लिए पहले एफर्ट्स लगाना शुरू करिए, नहीं तो क्योंकि म्यूनिसिपल कमिश्नर या म्यूनिसिपल बोर्ड के जो ऑफिसर हैं वो भी क्योंकि सीनियर ऑफिसर होते हैं और तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उन पर काम करने से उन पर एक्शन लेने से डरते हैं, तो बेहतर है कि आप पहले छोटे स्टेप में एक एग्जाम्पल सेट करें जिससे दूसरे लोग भी उसमें आगे आए कि वहाँ ऐसा हुआ है तो यहाँ भी हो सकता है, तो बेहतर ये रहे कि छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। जी सर, तो जैसे मैं अपने मोहल्ले का ही नाला एक पकड़ती हूँ तो उसके लिए मैं नगर निगम में दे सकती हूँ सर, और उसके अलावा कहाँ देख सकती हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल उसमें आप आपका पूरा अधिकार है। जी सर, जैसे नगर निगम में ही साथ में दे दी, फिर उसके बाद एक आध और ऑप्शन रहे सर की जो पॉल्यूशन बोर्ड बोल रहे हैं आप, पॉल्यूशन बोर्ड भेज दीजिए। जी 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 सर, ऑप्शन तो बहुत है, आप यदि दोनों सर जानकारी की कमी अभाव थोड़ा सा, यदि ये दोनों लोग नहीं मानते हैं तो आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी एक चिट्ठी भेज सकते हैं। जी सर नहीं सुन पाई सर, क्या बोले? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हरित प्राधिकरण, हरित न्याय प्राधिकरण दिल्ली में है, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करते हैं, उसके ही रिटायर्ड जज उसके हेड होते हैं और वो केवल पर्यावरण को संरक्षण से रिलेटेड इश्यूज के लिए ही बना हुआ है, तो वो सीधे फिर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को निर्देशित कर सकते हैं कि फिर बाकी बाकी काम आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर, थैंक यू सर। तो या थैंक यू, बहुत इम्पोर्टेंट बात रीना जी ने कही और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आज की वेबिनार से, मैं भी कहना चाहूंगा एक लाइन में कि जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें एक्टिविज्म भी आता है कि हम अपने आसपास के समस्याओं के प्रति चुपचाप ना रहें, उनका संज्ञान लें और जो भी अथॉरिटीज है जो हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में अभी जानकारी आपको मिली है और आप अपने से भी देख सकते हैं तो उनके रिपोर्टिंग करें, अपनी सक्रिय भागीदारी करें तो चीजें जरूर चेंज होंगी। अब क्योंकि समय थोड़ा सा कम रहा है, मैं अपने इग्नू रीजनल सेंटर देहरादून के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार डिमरी जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क में वो कहें। थैंक यू डॉक्टर जगदम्बा, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर विजय सिरदर फॉर गिविंग सच ए थॉट प्रोवोकिंग लेक्चर
और जो इन्होंने अपने लेक्चर में जिन चीज़ों को समावेश किया वो हमारी ज़िंदगी की डे टू डे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनसे भी जुड़ी हुई थी, प्लस इन्होंने उसका एक ब्रॉडर वर्जन भी हमें बताने की कोशिश की। और यहाँ तक भी इन्होंने जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है, जो सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, उस पर भी जो है अपना फोकस रखा। तो ये हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर रहा कि आपने हम सबको अवेयर किया, और हम निश्चिंत ही जितने भी लोग हम लोग यहाँ पे आज इस सेमिनार में हैं, प्रेजेंट हैं, हम आज ही से, अगर इन्होंने जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि जब हम प्लास्टिक की थैली जिसमें दूध होता है उसको काटते हैं, तो उसको काटते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि उसका जो टिप जो जो कटती है वो पूरी न कटे, उसी पे रहे, तो जो है वो वेस्ट जो है हमारा कहीं जाके हमारे लिए आगे प्रॉब्लम न करे, जो अगर वो टिप भी जाती है तो। ये बहुत छोटी बात है लेकिन इसका अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस इन द सेंस कि क्योंकि स्लोली आगे जो है जो भी हम जो जो कंजम्पशन पैटर्न और जो हमारी एक्टिविटीज होगी, इसका अल्टीमेट एम हमारी जो है फ्यूचर जनरेशन पे पड़ने वाला है। और अगर हम आज ही से जो है अपना जो है जो अपना पैटर्न है या जो अपना व्यवहार है नेचर के प्रति, उसमें अगर हम लोग उसको ध्यान रखेंगे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन ने भी इसी नेचर पे डिपेंड होना है और इसी से जो है आगे उनका जो है जीवन आगे निर्वाहित होगा, तो निश्चित ही जो है हम लोग कुछ काम कर पाएंगे। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं कि हम अपने ऑफिस में जो है बिजली का, जब ऑफिस छोड़ते हैं तो बिजली का बल्ब या जो भी हमारा एसी है, इन्होंने भी वो एग्जाम्पल दिया था कि हम 24 पे ही एसी चलाते हैं, और जनरली आपने देखा होगा कि हर घर में इस बात पे झगड़ा होता रहता है कि नहीं उसको 16 पे कर लेते हैं, 17 पे कर देते हैं, और उसको समझाने में बहुत मुश्किल होती है कि भाई 16 और 17 आपका टेम्परेचर नहीं हो सकता, ये टाइम लगाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इनको जो है ध्यान में रखें और इन पे जो है विचार करें तो निश्चिंत ही जो है हम जो है सस्टेनेबल लाइफ की और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक सुखद भविष्य दे पाएंगे। एक बार मैं फिर से जो है हमारे यहाँ पे डॉक्टर अमानुद्दीन अहमद भी आए हुए हैं हमारे कोऑर्डिनेटर काशीपुर के, उनका भी एक स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में, और क्योंकि अभी उन्हें दिखे तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है कि, और सबसे बड़ी खुशी की बात ये रही कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भी अच्छे खासे थे, तो ये भी एक अच्छा है कि लोगों में अवेयरनेस है कि इस तरह के टॉपिक पे अगर कोई डिस्कशन हो, कोई बातचीत हो, तो लोग उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, डॉक्टर जगदम्बा जी ने पहले ही बात कही है कि हम आप लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी देंगे ताकि जो है आपके कहीं वो काम आ सके। तो एक बात मैं पुनः जो है आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं श्री विजय सिद्धर जी, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथ ही साथ मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने इस हमारे इस व्याख्यान में जो है भाग लिया और पूरे समय रहकर हम लोगों का भी उत्साहवर्धन किया, और साथ में हमारे रिसोर्स पर्सन को भी, जब जब ऑडियंस होती है तो रिसोर्स पर्सन का जो जो भी बोलने वाला वक्ता होता है वो अपने आप में उसमें और कॉन्फिडेंस और जो है एनर्जी आ जाती है। तो वर्चुअली जो है आप लोगों ने हम सबको एनर्जाइज किया और इसमें पार्टिसिपेट किया। एक बार फिर से मैं क्षेत्रीय केंद्र देहरादून की तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और हृदय से जो है आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच नमस्कार सर। विद योर परमिशन कैन वी क्लोज द मीटिंग नाउ? यस यस वी कैन। थैंक यू सर। थैंक यू।